गुड न्यूज फॉर वोडाफोन आइडिया इज़ अ गुड न्यूज फॉर इट्स लेंडर्स और लेंडर्स में हम यहां पे बात करने वाले हैं आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक के लिए सो so, पहले वोडाफोन की वो गुड न्यूज क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या फिर डायरेक्ट इफेक्ट जो है आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक पे कैसा होगा इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सो वोडाफोन की गुड न्यूज क्या है इसके पहले ये देखते हैं सो वोडाफोन Uh, को जो थर्टीन ऑफ दिसंबर को पेमेंट्स करने हैं अपने बॉन्ड होल्डर्स को या फिर जहां जहां से उन्होंने लोन्स लिए हैं उन बैंक्स के इंटरेस्ट पेमेंट्स ई पेमेंट्स जो है तो वो भी आई थिंक रेगुलराइज होता हुआ नजर आ रहा है सो स्पेसिफिकली बॉन्ड होल्डो होल्डर्स को पैसा वापस देना इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर वोडाफोन आइडिया तो वोडाफोन आइडिया ने मार्केट uh, से पैसा उठाया है मतलब वर

बट uh, उसमें बहुत सारी लाइबिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज है सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप लाइबिलिटीज की बात करोगे तो अराउंड थर्टी थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ रुपीज के वो लोन्स है या फिर डेट जो मार्केट से कंपनी ने उठाई हुई है तो वहां के पेमेंट्स काफी अच्छी तरीके से पे होते हुए नजर आ रहे हैं सो दैट्स अ बिग रिलीफ फॉर कंपनी ऑल्सो फॉर इट्स सर्वाइवल एंड फॉर द बैंक्स ऑल्सो कि यहाँ से पैसे वापस आ रहे हैं पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया पूरे टेलीकॉम सेक्टर को सो दैट्स दैट वॉज अ रियली पॉजिटिव साइन उसके बाद अभी आप लोगों ने देखा होगा एक दो हफ्ते में एक दो हफ्तों में सारी uh, टेलीकॉम कंपनीज ने अपने टैरिफ्स बढ़ाए हैं सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनीज शेयर होल्डर्स नॉट एज अ कंज्यूमर ऑब्वियसली अगर हमारा बिल वहां पे बढ़ता है तो हमें दुख तो होगा ही बट कंपनी के सर्वाइवल के लिए वो टैरिफ्स बढ़ना बहुत जरूरी था और यहां पे तीनों जो मेजर प्लेयर्स हैं उन्होंने आई थिंक मिलके वो टैरिफ हाइक का डिसीजन लिया है सो दैट्स अ बिग रिलीफ फॉर वोडाफोन आइडिया अब ये पॉजिटिव न्यूज का सीधा सीधा जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो आई फर्स्ट बैंक पर आज आपको शेयर प्राइस में नजर आ रहा होगा सो so, अगर आप आई फर्स्ट बैंक को ट्रैक कर रहे हो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जिस तरीके से अपना होलसेल या फिर कॉरपोरेट लेंडिंग कम किया है और अपना रिटेल लेंडिंग बढ़ाया है बट देयर वर सम लेगेसी लोन्स विच है गिवन अर्लियर बट नाउ दे आर नॉट गिविंग एनी न्यू कॉरपोरेट और होलसेल लोन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स तो यहां से ये जो भी लोन्स है तो ऐसा लग रहा था कि ये तीन हजार करोड़ प्लस का जो अकाउंट है एनपीए होता हुआ नजर आ रहा था पंद्रह परसेंट का ऑलरेडी प्रोविजनिंग हो चुका था

और वो जहां पर कंप्लीटली एनपी होता हुआ नजर आ रहा था वो वापस रिवाइवल में नजर आ रहा है एंड लुक्स लाइक बैंक इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस लोन लोन वंस दैट सो दैट्स अ बिग रिलीफ फॉर दो शेयर होल्डर्स जो आईडीएफ फर्स्ट बैंक में सिर्फ रिटेल बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट्स के लिए आए थे बट दीज नेगेटिव न्यूज फ्रॉम कॉर्पोरेट लेंडिंग एंड होलसेल लेंडिंग पुराने लोन्स की वजह से आई थिंक बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था शेयर प्राइस वहीं के वहीं मूवमेंट चल रहे थे सो लुक्स लाइक होपफुली धीरे 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 जो उनका प्लान है कि भाई कंप्लीटली रिटेल ओरिएंटेड बैंक बनाना है दे आर ऑन राइट ट्रैक आई एम नॉट एन एक्सपर्ट कि शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के साथ क्या हो सकता है बट फ्रॉम अ लॉन्गर पॉइंट ऑफ लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ यू बिलीव इन देयर रिटेल बैंकिंग प्रोसेसिस इफ़ यू बिलीव इन मिस्टर वी वैद्यनाथन विजन देन दिस इज़ वन कंपनी इट शुड बी ऑन योर रडा नॉट अ डायरेक्ट सजेशन टू गो एंड इन्वेस्ट हाँ बट इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि कैसे पोर्टफोलियोज बनाने हैं तो उसकी अगर जानकारी आपको चाहिए तो इन्वेस्ट एनिया डॉट इन को विजिट कीजिए और वहाँ जाके आप हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो इंडिविजुअल मॉडल पोर्टफोलियोज आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन सो कुछ अगर अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स आपको चाहिए तो यद्याय ये प्रोमो कोड वाई ए डी एन वाई ए ये प्रोमो कोड आप यूज़ कर सकते हो और 30% परसेंट से ज़्यादा के डिस्काउंट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे बाकी आज रात को सत्संग इन्वेस्टमेंट सत्संग हम करने वाले हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट भी डाला है तो आप आपका क्वेश्चन वहां पर लिख सकते हो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक फॉर टूडेज फ्राइडे इन्वेस्टमेंट सत्संग तो आशा करता हूं कि आप जरूर ज्वाइन करेंगे वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जय हिंद